चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर टू के बारे में। अगर आप BBMQU यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी या फिर बिनोद भावे यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है तोरू दत्त के विषय में। ठीक है, तो आपको तोरू दत्त के विषय में पढ़ना है। इसके कुछ वर्क भी दिए गए हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर सभी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये जो वीडियो है इस पे हम स्पेशली फोकस करेंगे उसके लाइफ एंड वर्क के बारे में, ताकि उनका कोई भी वर्क का जब हम एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करें तो हमें लंबा खींचने में कोई दिक्कत ना हो। आंसर आपको लंबा लिखना होता है तो आंसर को लंबा करने में कोई दिक्कत ना हो, तो लाइफ एंड वर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको मिला करके आप आंसर को और लंबा कर सकते हो। ठीक है, प्लस उसके वर्क को समझने में भी आसान होगा। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। इसका रेफरेंस मैंने विकिपीडिया से लिया, आप चाहे तो कंप्लीट विकिपीडिया पढ़ सकते हैं। फिलहाल मुझे जो जरूरत यानी काम का लगा मैंने सिर्फ उसे लिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अर्ली लाइफ और एजुकेशन, कई सारे मैंने पॉइंट डिवाइड कर रखी है, तो यहाँ पे अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को पहले इनका समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को हिंदी में आपको जो है ठीक से समझा दूंगा ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तोरू दत्त, ठीक है, जिसे तोरू लता भी बहुत जगह मेंशन किया गया है। तो तोरू दत्त वॉज बॉर्न इन कलकत्ता, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और इसका जो तिथि है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, 4 मार्च 1856 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ये एक बंगाली फैमिली से थी विच हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जो कि बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई यानी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। इनके फादर का नाम था, हर फादर वॉज गोविंद चंद्र दत्त। आपको इनके पिता का नाम याद रखना है गोविंद चंद्र दत्त, और मदर का जो नेम है वो है क्षेत्रा मुनि दत्त। दत्त फैमिली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कलकत्ता फैमिली टू बी द स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी से, ठीक है, प्रभावित होने वाली कलकत्ता की सर्वप्रथम परिवार जो थी वो तोरू दत्त की ही परिवार थी। ठीक है, तोरू दत्त दत्त ग्रैंड फादर, ठीक है, उनके ग्रैंड फादर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है रसमय दत्त। तो रसमय दत्त को आपको याद रखना है, तो रसमय दत्त और तोरू दत्त के फादर दोनों ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे। ठीक है, बोथ हैड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन कॉलोनियल गवर्नमेंट। आपको पता है इस समय अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो अंग्रेजों का जो शासन है उसमें तोरू दत्त के दादाजी और उसके पापा दोनों ही अच्छे पद पर काम कर रहे थे। ठीक है, यानी सरकारी नौकरी आप मान सकते हो, तो रईस खानदान से बिलोंग करती थी, आप इसको मान लीजिए नहीं, सच में जो तोरू दत्त थी वो रईस थी। ठीक है, रईस फैमिली से थी। उनका एक कजन भी था, कजन का नाम था रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त, और ये जो इनके कजन थे वो राइटर भी थे और इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे, यानी एक अच्छे पद पर नियुक्त थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो यानी इनका इनका जो कजन थे वो भी एक अच्छे पद पर नियुक्त थे। उसके बाद है तोरू दत्त फादर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी 1862, इन 1862, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आती है अगर तोरू दत्त से दिया जाए तो ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि उनके जो परिवार थे वो कब जो है कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कन्वर्ट कब हुआ था क्रिश्चियनिटी में, तो 1862 में। ठीक है, और इस समय तोरू दत्त जो थी महज 6 साल की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब वो 6 साल की थी उसके परिवार जो थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। उसकी माता, हर मदर इनिशियली रेजिस्टेड कन्वर्जन, तो उनकी माता ने इसका विरोध किया, रोकने का कोशिश भी किया था। ठीक है, लेकिन था ना बाद में इवेंचुअली बिकेम अ प्रैक्टिसी क्रिश्चियंस एज वेल, लेकिन बाद में वो भी उनसे प्रभावित हुई क्रिश्चियनिटी से, यानी उनका भी आदत पड़ गया। ठीक है, उन्हें भी क्रिश्चियनिटी का आदत पड़ गया था। बोथ दत्त पेरेंट्स पब्लिश्ड सम राइटिंग, ठीक है, याद रखिएगा, माता और पिता तोरू दत्त के मम्मी पापा दोनों ही जो थे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है ना कुछ राइटिंग को पब्लिश भी करवाया था। ठीक है, उनके फादर पोइट्री लिखे थे और मदर जो थी वो उसका ट्रांसलेशन जो है वो करवाई थी बंगाली में ऑफ रिलीजियस, ठीक है, मोनोग्राफ।
तो देखिए इसकी माँ जो थी ना वो थोड़ी रिलीजियस टाइप की थी, संस्कृत में अच्छा खासा जानकारी था, तो संस्कृत में रिलीजियस बुक वगैरह पढ़ना लिखना ठीक है, तो ये सब काम करती थी उनकी माँ। तो यहाँ पे उनके पापा जो थे वो अंग्रेजी के जानकार थे, तो उनके पापा जो थे वो पोएट्री लिखे थे। मदर ने भी कुछ जो था रिलीजियस टाइप के जो पौराणिक जो मतलब जो कथा होती है उस पर बंगाली में उसे वो ट्रांसलेट कर रही थी ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि दोनों ही ठीक है, उसके खानदान में लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। तोरु दत्त वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ थ्री ठीक है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये लोग परिवार में ठीक है 3 भाई बहन थे ठीक है, और ये सबसे छोटी थी। और किसके बाद तो सिस्टर है, सिस्टर का नाम था अरू और ब्रदर का नाम था अबजू। ये दोनों ही याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अरू और अबजू, ये तो ये सिस्टर और ब्रदर है तोरुदत्त का ठीक है। तोरुदत्त सबसे छोटी थी। सी एंड हर सिबलिंग स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड इन कलकत्ता, ये लोग ज्यादातर अपना जो टाइम थे वो कलकत्ता में स्पेंड करते थे, स्प्लिटिंग देयर टाइम बिटवीन अ हाउस इन द सिटी, और वो जो समय इनका बीतता था वो सिटी के हाउस में, याद रखिएगा सिटी के हाउस में एंड गार्डन हाउस ठीक है। अब रईस है तो रईस लोगों का एक से ज्यादा घर होता है, एक सिटी में होता है, एक गाँव क्षेत्र में होता है ठीक है। सबब ऑफ ठीक है बागमारी, सबब मतलब होता है किसी भी शहर का साइट सेंटर से हट करके, तो बागमारी एक प्लेस है और उस बागमारी के ही साइड में इनका एक गार्डन हाउस हुआ करता था। और ये जो गार्डन हाउस था ये काफी खूबसूरत था, इसका आपको एक वर्क भी पढ़ना है ठीक है, बागवानी नाम का एक वर्क भी है, तोरुदत्त का एक पोएट्री भी है जिसमें अपने गार्डन के खूबसूरती को बयां की है ठीक है। तो ये अपना टाइम जो था सिटी हाउस में और बागमारी का जो गार्डन हाउस था वहां पे अपने भाई बहन के साथ अपना समय को बिताती थी। दत्त वॉज एजुकेटेड एट होम ठीक है, इसे घर में ही शिक्षा मिल रहा था, क्योंकि देखो ये जिस टाइम का हम लोग बात कर रहे थे ना उस समय जो एजुकेशन व्यवस्था था भारत का बहुत ही खराब था, खास करके महिलाओं को लेकर के ठीक है। फिलहाल इनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा था तो कहीं ना कहीं इनका इस चीज का फायदा तोरुदत्त को जरूर मिला होगा ठीक है। तो तोरुदत्त हो सकता है कि इन्हें बाहर उतना ज्यादा आने जाने नहीं मिलता, बट घर में इसे पढ़ाई की सारी सुविधा मिली हुई थी, ये घर में ही एजुकेटेड हुई थी ठीक है, अपने फादर के द्वारा। और एक ट्यूटर थे इनका पढ़ाने वाले, एक ट्यूशन मास्टर थे ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन ट्यूटर जिसका नाम था बाबू साहेब चुंदर बनर्जी ठीक है, बाबू साहब चुंदर बनर्जी। तो लर्निंग फ्रेंच एंड इंग्लिश, क्या क्या सीखती थी तोरुदा, फ्रेंच सीखती थी, इंग्लिश सीखती थी, संस्कृत भी सीखती थी, और अपना खुद का लैंग्वेज जो इनका मदर टंग था वो था बंगाली। तो ये चार लैंग्वेज आपको याद रखना है कि तोरुदत्त को चार लैंग्वेज में महारत हासिल की थी ठीक है, यानी चार लैंग्वेज का जानकारी रखती थी वो, जिसमें से एक फ्रेंच था, दूसरा अंग्रेजी है, तीसरा संस्कृत है, और चौथा खुद का लैंग्वेज ठीक है बंगाली। ड्यूरिंग दिस टाइम सी लर्न्ड जॉन मिल्टन्स एपिक पोएम ऑफ क्रिश्चियन ऑलिगोरी पैराडाइज लॉस्ट ठीक है, ये जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, लंबा पोएट्री है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ, और इस पोएट्री को ठीक है बाय हर्ट याद कर ली थी तोरुदत्त, यानी मुखस्थी जिसको हम लोग बोलते हैं, बिना देखे बोल देना किसी भी चीज को ठीक है। तो तोरुदत्त ने जो था पैराडाइज लॉस्ट को इस टाइम पे जिस समय वो ये सब घर में सीख रहे थे उस समय तक वो मतलब मुखस्थी उसे याद कर ली थी वो ठीक है। सी ऑल्सो लर्न्ड स्टोरीज ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम हर मदर, पहले बता चुका हूँ कि उसकी जो माँ थी वो रिलीजियस स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, एंशियंट स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, और वही सब वो अपने बेटी को भी सुनाती थी ठीक है। तो इस तरह से जो तोरुदत्त है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला एंशियंट इंडिया के बारे में, एंशियंट इंडियन स्टोरी जो था उसके बारे में जानने को ठीक है, किससे, अपने मदर से वो ये सब चीज़ जानकारी प्राप्त की थी। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो कि मैंने रेड कलर में यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, अबजू जो कि उसके ब्रदर थे ठीक है, डाइड व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड ठीक है, यानी 11 साल के उम्र में अबजू का जो था वो डेथ हो चुका था ठीक है। अरु डाइड ड्यू टू कंजम्पशन ठीक है, और उसके बाद अरु का भी निधन हो गया है ठीक है। और ये कंजम्पशन एक प्रकार का बीमारी है, आप इसे ट्यूबर क्लोसिस यानी आप इसे टीबी, टीबी का बीमारी आपने तो सुना ही होगा है ना, तो ये टीबी या क्षय रोग जिसको बोलते हैं उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, तो
तोरुदत्त, यानी एक तरह से आप समझ जाओ तोरुदत्त और उसके भाई बहन, ठीक है, सबकी मृत्यु जो थी इसी बीमारी से हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे दो चीज का मेंशन है कि अबजू जो है उसका भाई जो था वो 11 साल की उम्र में ही मर गया था, और उसके बाद जो था 23 जुलाई, ठीक है, 1874 में, ठीक है, उसकी सिस्टर अरुबी मर गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो देखेंगे हम लोग लाइफ इन यूरोप। ठीक है, क्योंकि इनका जो फैमिली है वो यूरोप में सेटल हो गए थे, यानी यूरोप यात्रा करने का मौका मिला था इन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप का लाइफ जाना बहुत जरूरी है। इन 1869, ठीक है, 1869, व्हेन दत्त वाज 13, 13 साल की उम्र में, ठीक है, दत्त फैमिली लेफ्ट इंडिया, मेकिंग हर एंड हर सिस्टर सम ऑफ द फर्स्ट बंगाली फैमिलीज टू ट्रेवल बाय सी टू यूरोप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके जो फादर थे वो अंग्रेजी सरकार में एक अच्छे पद पर थे, तो उन्हें भी यात्रा करने का मौका तो जरूर मिला गया यूरोप का कोई काम के सिलसिले में। तो इसी से इन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है, जिस समय तोरुदत्त 13 साल की थी वो अपने फैमिली के साथ जो है, ठीक है, अपने सिस्टर फैमिली, ठीक है, मदर और फादर के साथ, ठीक है, वे यूरोप चले गए, ठीक है, सी सी बाय सी टू यूरोप, ठीक है, समुद्री रास्ते रास्ते के माध्यम से ये लोग यूरोप गए थे पानी जहाज के माध्यम से। ठीक है, तो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक बहुत ही कुछ गिने चुने बंगाली फैमिली को ये अपॉर्चुनिटी मिला था यूरोप घूमने का। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी इन्हें मिला तोरुदत्त और उसकी सिस्टर को। ठीक है, तो आप इसे फर्स्ट भी मान सकते हो कि फर्स्ट ये लोग मतलब उस टाइम पे ये लोग फर्स्ट थे जिन्हें मौका मिला यूरोप घूमने का। द फैमिली स्पेंट 4 ईयर्स, याद रखिएगा यूरोप में इन लोगों ने 4 साल, ठीक है, गुजारे थे। कितना साल? 4 साल यूरोप में इन लोगों ने गुजारा, जिसमें से 1 साल था फ्रांस और 3 साल इंग्लैंड, याद रखिएगा। ठीक है, 1 साल फ्रांस में और 3 साल इंग्लैंड में। ठीक है, और इसी बीच में दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड जर्मनी। ठीक है, इसी बीच में इन लोगों ने यात्रा किया था इटली और जर्मनी का। तो यानी टोटल साल मतलब 4 साल लोग यूरोप में गुजारा था, जिसमें से 1 साल फ्रांस और 3 साल इंग्लैंड का, इसी बीच में थोड़ा बहुत जो था इटली और जर्मनी की भी यात्रा इन लोगों ने किया था। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, दे फर्स्ट लिव्ड इन फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले ये लोग फ्रांस में रहे। फ्रांस का जो समय है वो है 1869 से 1870 तक। ठीक है, और ये भी फ्रांस के साउथ एरिया में और पेरिस एरिया में, ठीक है, पेरिस में ये लोग अपना समय को गुजारे। That studied French in Nice and was briefly a student at boarding school. ठीक है, एक बोर्डिंग स्कूल में, यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में जो तरुदत्त थी उसे फ्रांस में जो था फ्रेंच स्टडी करने का मौका मिला। ठीक है, और फ्रेंच तो ये पहले से पढ़ रही थी, लेकिन अब मौका था फ्रेंच इन्वायरमेंट में घुल मिल करके पढ़ने का। इससे क्या होगा, उसका जो लैंग्वेज था ना और भी उसमें क्या बोलते हैं उसको, चार चांद लग जाना। ठीक है, पहले से तो फ्रेंच सीख रही थी, लेकिन अब फ्रांस में रह करके, वैसे इन्वायरमेंट में रह करके फ्रेंच सीखना कहीं ना कहीं इसके फ्रेंच को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया होगा। ठीक है, इन 1870 द फैमिली लिव्ड इन ऑनस्लो स्क्वायर ब्रॉम्पटन लंदन। ठीक है, 70 में जब ये लोग मूव किए तो ये लोग कहाँ चले गए, लंदन। ठीक है, वी आर दत्त स्टडीज म्यूजिक। एक चीज और यहाँ पर लंदन में एक और चीज सीखने को मिला इसे, वो था म्यूजिक, म्यूजिक पे भी इंटरेस्ट ली थी वो। 1871 दे मूव टू कैम्ब्रिज, ये एक जगह है और इस नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, वेयर दे रिमेंड अंटिल 1873, यानी 1873 तक यहाँ पे अपना समय इन लोगों ने बिताया। इन 1872 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, बताने कि कैम्ब्रिज नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफर्ड अ लेक्चर सीरीज हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन्स। ये टॉपिक था हायर लेक्चर्स फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, विच तोरुदत्त अटेंडेड, ठीक है, विथ हर सिस्टर अरु। तो तोरुदत्त जो थी वो अपने सिस्टर के साथ इस लेक्चर को अटेंड की थी। ठीक है, एट द टाइम, इस समय वुमेन वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन वेयर लिमिटेड। तो इस टाइम तक, ठीक है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो था वो वुमेन को अलाउड नहीं करते थे। ठीक है,
और इस समय हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी जो थी वो बहुत ही कम थी। सिर्फ इंग्लैंड का ही मैं बात नहीं कर सकता हूँ, पूरा वर्ल्ड में विमेन एजुकेशन जो था बहुत ही खराब था। ठीक है, महिलाओं को उतना पढ़ने लिखने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। अभी इन सब चीज़ों में सुधार किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे टाइम पे तोरू दत्त अगर पढ़ लिख करके इतना सारा काम किए तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ जरूर है। दिस वॉज अ चांस फॉर वुमेन टू एक्सेस यूनिवर्सिटी लेक्चर, और यही वो मौका था, फर्स्ट टाइम जो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऐसे लेक्चर का आयोजन किया था, तो वुमेन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था ऐसे लेक्चर को, ठीक है, एक्सेस करने का, ठीक है, ज्वाइन करने का। द फैमिली लेफ्ट कैम्ब्रिज, उसके बाद इस फैमिली ने जो था वो कैम्ब्रिज को जो था वो लेफ्ट किया, ठीक है, यानी कैम्ब्रिज को छोड़ दिया 1873 में। ठीक है, लिविंग इन द लियोनार्ड सुसेक्स, ठीक है, सुसेक्स ये आपको मैं इंग्लैंड का एक अलग से मैप आपको बता दूंगा, ठीक है, सुसेक्स वेसेक्स ये सब क्या है नहीं है, ठीक है, फिलहाल आप समझ जाओ कि ये कोई जगह है। ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 1873 एंड देन रिटर्निंग टू कोलकाता, जहाँ पर इन लोगों ने, ठीक है, कुछ समय तक अप्रैल टू नवंबर इतना टाइम तक ये जगह में इन लोगों ने बिताया, उसके बाद ये लोग वापस आ गए कलकत्ता अपने फैमिली के साथ में। बात करते हैं लेटर लाइफ के बारे में, ठीक है, तो लेटर लाइफ में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। इनका अगर आपको ग्रेव देखना है यानी कहाँ इनको दफनाया गया है, तो ये आपको कलकत्ता के, ठीक है, मानिक ताला, ये मानिक ताला एक जगह है, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है, मतलब एक कब्रिस्तान जो है, ठीक है, मानिक ताला क्रिश्चियन सेमेंट्री, ठीक है, ये इनके ग्रेव का नाम है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बात करते हैं लेटर लाइफ में। व्हेन तोरू दत्त रिटर्न टू कोलकाता इन 1873 एट द एज ऑफ 17, यानी 17 साल की उम्र में यह कोलकाता रिटर्न आई थी। सी फाउंड इट चैलेंजिंग टू रिटर्न अ कल्चर दैट नाउ सीम्ड एन अनहेल्दी प्लेस बोथ मॉरली एंड फिजिकली स्पीकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जब वो कलकत्ता रिटर्न होकर के आई, यानी कोलकाता जब वो रिटर्न होकर के आई, तो उसे काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा अपने कल्चर में रिटर्न होना, क्योंकि 4 साल इंग्लैंड में रह करके वहां पर एक तो क्रिश्चियन में वो ट्रांसफर्ड हुई है, उसके बाद भी यूरोप कंट्री में एज ए क्रिश्चियन, ठीक है, 4 साल तक वो एक्सपेंड की, तो इससे इनका जो कल्चर था ना काफी ज्यादा बदल गया था, तो वापस इंडिया आकर के फिर से इंडियन कल्चर में मतलब मिलना घुलना इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ठीक है, ये मतलब फिजिकली और मोरली दोनों तरह से इसके लिए अनहेल्दी, मतलब ठीक नहीं लग रहा था इसके लिए, ठीक है, टू हर यूरोपनाइज्ड एंड क्रिश्चनाइज्ड आइज, ठीक है, यूरोपनाइज्ड का मतलब है कि यह यूरोपियन सभ्यता में घुल मिल गई थी और क्रिश्चनाइज्ड हो चुके थे उस आइज से, ठीक है, इंडियन कल्चर में अब घुलना मिलना इसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। ठीक है, हर सिस्टर अरु डाइड ऑफ कंजम्पशंस, ये पहले बात कर चुके हैं कि उसके बाद अरु जो है ना उसका जो है निधन हो जाता है वो 72 में, ठीक है, उनका निधन जो है वो 72 में हो जाता है, यानी जिस समय यूरोप की यात्रा ही लोग कर रहे थे यूरोप में ही इसके सिस्टर का निधन हो गया था। ठीक है, इनका एज कितना था, 20, कुछ जगह पे आपको 21 मिलेगा, कुछ जगह पे 20 मिलेगा, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज आप 20 लेकर के ही चलिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है ना थोड़ा सा ये मिल जाएगा, मतलब कंफ्यूजन वाला चीज़ मिल जाएगा इंटरनेट पर आपको। ठीक है, 3 ईयर्स आफ्टर रिटर्निंग, 3 साल के बाद जब वो रिटर्न आती है, सी रोड टू मेरी मार्टिन, ठीक है, याद रखिएगा मेरी मार्टिन उसकी एक यूरोपियन एक फ्रेंड थी। ठीक है, तो वो मेरी मार्टिन को एक लेटर लिखती है, यहाँ से आई हैव नॉट बीन टू वन डिनर पार्टी और एनी पार्टी एट ऑल सिंस वी लेफ्ट यूरोप, यूरोप छोड़ने के बाद अभी तक कोई भी पार्टी वगैरह ये नहीं सेलिब्रेट की है, कोई भी डिनर पार्टी नहीं मनाई है। इफ एनी फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड मदर हैपेंस टू सी मी द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई एम मैरिड, बोथ रिमार्क एक्सप्रेसेस, तो यहाँ पे बोलती है कि इसके घर में अभी इंडिया में, ठीक है, इसके ग्रैंड मदर की अगर कोई सहेली अगर ऐसा होता है कि इसे देखने के लिए आती है, तो उसका बस एक ही क्वेश्चन होता है कि इसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि इंडिया में तो बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है, जब भी आपको कोई बूढ़ा बूढ़ी, ठीक है, कोई भी अगर आपको मिलेगा ना, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि नुनुआ नुनिया का शादी ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर लाइफ में कुछ जानने के लिए था नहीं, फ्रस्ट्रेशन विच वॉट वी फाउंड टू बी
रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव सोसाइटी मतलब रूढ़ीवादी जो सोसाइटी है, यहाँ पे लड़कियों को जो है ना बस वही देखा जाता है, जवान हो गए, ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ, तो यही सब क्वेश्चन। तो ये सब कहीं ना कहीं तोरू दत्त को जो ना कहीं मतलब ये सब क्वेश्चन सब परेशान करता था, ठीक है। हाउएवर शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट यूरोप कुड नॉट रिप्लेस इंडिया एज हर ट्रू होम। और इसके अलावा कुछ और चीज ध्यान देती है तोरू दत्त, और वो देती है कि जिस तरह से यूरोप को, ठीक है, जिस तरह से यूरोप को जो है डेवलप किया है यूरोपियन ने, अंग्रेजों ने, उस तरह से इंडिया को अभी तक रिप्लेस नहीं किया है, यानी इंडिया का सिर्फ शोषण हो रहा है, यूरोप के तरह इसे अभी तक डेवलप नहीं किया है, ठीक है। सीट टू कॉन्सोलेशन, ठीक है, कॉन्सोलेशन इन रेनवी गोरेटिंग हर स्टडीज ऑफ संस्कृत विथ हर फादर एंड हियरिंग हर मदर्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स अबाउट इंडिया। ये जब वापस आती है ना, तो संस्कृत तो पहले से भी सीख रही थी, लेकिन अब ये संस्कृत को अपने पापा के साथ और अपने मम्मी के साथ, ठीक है, मिल करके उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। पापा से मदद लेती है, मम्मी से कहानी सुनती है, और इंडियन जो स्टोरीज है संस्कृत का, उसे और भी ज़्यादा ये डेवलप करती है, उसमें और भी ज़्यादा ध्यान से अध्ययन करती है वो, ठीक है। और इसका जो है लेटर लाइफ में और क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक बोथ, ठीक है, लाइक बोथ हर सिबलिंग्स, अपने भाई और बहन के मृत्यु के तरह ही तोरू दत्त जो है उनका भी निधन हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से ही, ठीक है। इस समय इसका एज था 21, और जो डेट है वो आप देख सकते हो 30 अगस्त 1877 को, ठीक है, 30 अगस्त 1877 को इनका भी निधन हो जाता है। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 20 तक आते आते लगभग एवरेज अगर देखा जाए, ठीक है, तो तीनों भाई बहन का जो है ना मृत्यु हो गया है ना। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस उस समय बहुत ही बड़ी बीमारी होती थी, अगर किसी एक को होता था तो ये छुआछूत की बीमारी होती थी, उससे दूसरे को भी ये लग जाता था, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। और इसका कोई इलाज ना होने के कारण जिसको भी होता था मर भी जाता था, क्षय रोग या टीबी के नाम से बहुत ज्यादा ये फेमस था, ठीक है। चलिए इसके राइटिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा इसको भी लिखना बहुत जरूरी है, बट इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग देखेंगे नहीं, इसे मैं ऊपर से ही आप लोगों को पार कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम में मैं जो शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना अगर आप इसे चाहते हो तो, नहीं तो आप खुद से भी आंसर बना सकते हो, ठीक है। देखिए राइटिंग में जब इसका हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तोरू दत्त वॉज अ नेचुरल लिंग्विस्ट, ठीक है, नेचुरल लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जो मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बात को। तो तोरू दत्त नेचुरल लिंग्विस्ट थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो चार प्रकार की लैंग्वेज जान रही है। इन हर शॉर्ट लाइफ, अपने छोटे से समय में सी बिकेम प्रोफिशिएंट इन बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लेटर संस्कृत। तो अपने छोटे से, ठीक है, 20 साल के उम्र में, यार हम लोग का जो अभी टाइम है ना, 20 साल के उम्र में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटर पास हो जाता है और बच्चा टेंथ तक जो है ना अच्छा से नहीं पढ़ पाता, टेंथ का जो है अच्छा से याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो 20 साल के उम्र तक ही जो था, ठीक है, इसने बंगाली, ठीक है, यानी बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत, ये चारों भाषाओं को जो ना अच्छा से अध्ययन की थी, इसमें महारत हासिल कर ली थी। सी लेफ्ट बिहाइंड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, और इस कारण से, ठीक है, वो मरने से पहले अपने पीछे प्रोज और पोएट्री के कई इम्प्रेसिव कलेक्शन को छोड़ करके जाती है, ठीक है। इनमें से दो नॉवेल्स भी है, ठीक है, अनफिनिश्ड का मतलब होता है उतना ज़्यादा, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, जिसमें से एक बियंका है, ठीक है, एक बियंका, इस बियंका का ही जो है दूसरा टाइटल है द यंग स्पेनिश मैडन, ठीक है। उसके बाद ले जनरल दे मेडे मोइजले डी अरवर्स, ठीक है। अब ये फ्रेंच में, ठीक है, बियंका और द यंग स्पेनिश मेडन ये इंग्लिश में है, लेकिन ये जो है ना ये फ्रेंच में, तो फ्रेंच में इसका ओरिजिनल जो मतलब जो प्रोनंसिएशन है वो क्या है आप देख लेना भाई, ठीक है। वी आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया विथ नॉन इंडियन प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये जो कहानी है इसमें नॉन इंडियन प्रोटागोनिस्ट है, और ये आउटसाइड स्टोरी है, यानी इंडिया से बाहर का स्टोरी दोनों में दिया हुआ है। हर पोएट्री अपीयर्स इन, इनका जो पोएट्री है वो आपको जो कलेक्शन इसमें देखने के लिए मिलेगी, एक है सेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, आपको एक इसमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन इन टू इंग्लिश ऑफ फ्रेंच पोएट्री, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ओरिजिनल जो है ना सेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, इसमें जितने भी पोएट्री हैं
वो सभी फ्रेंच में है ओरिजिनली। जब ये फ्रेंच में थी तब इन सबको पढ़ करके वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, तो सब ट्रांसलेट किया हुआ। दूसरा है एन एंशियंट एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान कंपोज ऑफ ट्रांसलेशंस एंड एडेप्टेशन फ्रॉम संस्कृत। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरा जो है वो एंशियंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान, और ये जो है कलेक्शन इसमें भी ट्रांसलेशन ही है, इसमें भी ट्रांसलेशन है, और जो ट्रांसलेशन है वो संस्कृत की कुछ पौराणिक कथाओं को, ठीक है, कुछ पौराणिक कथाओं को इसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब कुछ संस्कृत संस्कृत से लिया गया ये सब, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इनका जो वर्क है वो लगभग सब ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट किया हुआ है। वर्क को थोड़ा विस्तार में देखते हैं तो जो असेफ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड, ये पब्लिश हुआ था 1876 में, ठीक है, 1876, विदाउट अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। इसमें किसी प्रकार का प्रीफेस और इंट्रोडक्शन नहीं था। इट्स 65 पॉइंट्स, ठीक है, 165 165 इसमें थी, और ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश बाय दत्त, एक्सेप्ट फॉर वन पोएम कंपोज्ड बाय हर। एक पोएम है जिसका नाम है अमोन पेरे, ठीक है, ये पोएम जो है ये खुद की लिखी हुई है, बाकी सब ट्रांसलेट किया हुआ है, और सारा का सारा खुद से ट्रांसलेट नहीं किया हुआ। 165 में जो है 8 पोएम ऐसे हैं जो कि ट्रांसलेट किया गया था उसके सिस्टर के द्वारा यानी अरु के द्वारा, ठीक है। एट फर्स्ट द कलेक्शन अट्रैक्टेड टाइटल अटेंशन लिटिल अटेंशन, ठीक है, द फर्स्ट कलेक्शन अट्रैक्टेड अ लिटिल अटेंशन दो इट इवेंचुअली कम टू द नोटिस ऑफ एडमुंड गूस, ठीक है। ये एडमुंड गूस जो है यूरोपियन यानी इंग्लैंड के एक जाने माने एक राइटर हैं, क्रिटिक्स भी हैं, तो सबसे पहले इनको अट्रैक्ट किया यानी थोड़ा उतना कोई खास अट्रैक्ट नहीं किया लेकिन हाँ अट्रैक्ट किया था एडमुंड गूस को एज ए क्रिटिक, ये उसको पढ़े भी और उसके बारे में थोड़ा बहुत तारीफ भी किए हैं। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, बस आप जान लीजिए कि जो फर्स्ट जो कलेक्शन था ये एडमुंड गूस के नज़र में आया था, ठीक है, 1877 में, ठीक है। और रिव्यू इट प्रॉब्ली इन एग्जामिनर द ईयर, और उसके बाद उसको रिव्यू भी करके और उसके बाद रिव्यू भी करता है और उसके बारे में कुछ कमेंट्स भी देता है, ठीक है। उसका जो सेफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड जो है वो सेकेंड एडिशन जो उसका आया था वो 2 साल के बाद ही आ गया था 1878 में, एंड थर्ड एडिशन जो था वो केगन पॉल ऑफ लंदन, ये पब्लिशर है, ठीक है, तो ये पब्लिशर, ठीक है, लंदन का है, 1880 में थर्ड एडिशन जो है लेकर के आया था, बट दैट लिव टू सी नेदर ऑफ दीज। लेकिन ये सब हुआ कब, तोरुदत्त के मृत्यु के बाद। तोरुदत्त इन सबको किसी को भी एक एक भी पब्लिकेशन को नहीं देख पाई थी। एक्चुअल में उसके डेथ होने के बाद उनके पापा परिवार वालों ने, ठीक है, ये सब जो था काम को करवाया था, ठीक है। द सेकेंड एडिशन एडेड 44 न्यू पोएम्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ तोरुदत्त एंड हर सिस्टर एंड प्रीफेस बाय देयर फादर। तो यहाँ पे जो सेकंड एडिशन आया था उसमें 44 नए पोएम जो थे वो जोड़े गए थे, और उस पोएम में तोरुदत्त का जो था कुछ उसके सिस्टर का कुछ मतलब उसमें पोर्ट्रेट है कुछ चित्रण किया गया है, और इसमें जो प्रीफेस है वो दिया गया था और ये प्रीफेस इसके फादर के द्वारा दिया गया था। तो ये तो था गाइज सेकंड सेमेस्टर के लिए था तोरुदत्त के बारे में। तोरुदत्त का जितना भी वर्क आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है सबका समरी क्रिटिकल अप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन आंसर है वो बना करके अपने वेबसाइट, ठीक है, अपने वेबसाइट ध्यान रखिएगा, आप जो है ना मेरे वेबसाइट को जरूर फॉलो कीजिएगा, jpathshala, ठीक है, .com, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा गाइज। यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसका लिख करके आपको बहुत सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जल्द से जल्द तैयारी करवा देने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम था और धीरे धीरे प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।